जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख पास में आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की धड़कन भी बढ़ती जा रही है और उन्होंने जनसंपर्क भी तेज कर दिया है। हालांकि यह तो वक्त आने पर ही पता चलेगा कि जनता किसको जीत का ताज पहनाती है और किसको नहीं। खैर, परिणाम जो भी हो, लेकिन जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक तो नेताओं का तूफानी जनसंपर्क चालू रहेगा। आइए हम आपको दिखाते हैं बदनावर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी भंवर सिंह शेखावत की खास बातचीत। इस वक्त हमारे साथ बदनावर से भाजपा प्रत्याशी भंवर सिंह शेखावत जी मौजूद हैं। उनका जनसंपर्क चालू है, उनको किस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है आइए हम उनसे बात करते हैं। शेखावत जी, आपको किस प्रकार से रिस्पांस मिल रहा है? आपने 5 साल काम किया है जनता के बीच और आप जा रहे हैं, तो क्या रिस्पांस मिल रहा है? जो मैं देख रहा हूँ तो जनता में इतना उत्साह है और ये उत्साह है माननीय शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो किसानों के प्रति काम किया गया है, जिस प्रकार का पिछले 4 साल के अंदर बदनावर तहसील में विकास हुआ है, चाहे सड़कों का मामला हो, सिंचाई का मामला हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सारे क्षेत्रों में हमने समुचित विकास किया है। और जो बदहाली की हालत में आज से 4.5 साल पहले बदनावर तहसील थी, उस बदनावर तहसील को हमने एक उन्नत तहसील के रूप में प्रस्तुत करके जनता को सौंप दिया है। 370 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण पिछले 4.5 साल में हुआ है। सारे के सारे बैराज और सारे के सारे जितने ब्रिज थे, 8 सबसे बड़े ब्रिज चामला के ऊपर, वो शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने बना के जनता को सौंप दिए हैं। विधायक जी, आपकी पार्टी के जो राजेश अग्रवाल जी जो हमारी पार्टी के नहीं है, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। राजेश अग्रवाल पिछले 25 साल से कांग्रेस का काम करते थे, कहाँ आपने राजेश? विधायक जी, मतलब क्या आपको मतलब खतरा लगता है उनसे? जनता के बीच किसी का खतरा नहीं है, आपकी पार्टी से निकले हुए व्यक्ति। अरे भैया, निकले तो है मेरे भाई, लेकिन वो लोग पिछले 25 साल से कांग्रेस का काम कर रहे थे, उन्होंने कभी बीजेपी का उस परिवार ने काम किया ही नहीं। और जो बीजेपी का काम करता है शिवराज सिंह चौहान के साथ में, वो कोई कांग्रेस के साथ जाएगा? कांग्रेस मरी पार्टी है पूरे देश की, पूरे देश में कोई कांग्रेस को स्वीकार नहीं कर रहा और वो कांग्रेस को मदद कर रहा है। विधायक जी, आपको क्या लगता है, आपकी जीत पक्की मान लें? जीत भारतीय जनता पार्टी की पक्की है, शिवराज सिंह चौहान की सरकार फिर बनेगी, भारतीय जनता पार्टी फिर बदनावर को एक बहुत बड़ा तोहफा उन्होंने 2000 करोड़ का नर्मदा मैया का दे दिया है। हम अगले 5 साल के अंदर नर्मदा मैया का पानी गांव के एक एक खेत तक पहुंचाएंगे। तो ये थे हमारे साथ बदनावर से भंवर सिंह शेखावत जो भाजपा प्रत्याशी, उनका कहना है कि भाजपा की सरकार बनेगी और उनकी भी जीत पक्की है। कैमरामैन दिनेश के साथ अमर वर्मा, समाचार धार।